अवशेषों को सर्वाधिक आग लगाने वाले गांवों में सम्मिलित रहे संगोही गांव के सरपंच केहर सिंह के नेतृत्व में आज बहुत से किसानों ने डीसी विनय प्रताप सिंह की उपस्थिति में संकल्प लिया कि वे चालू सीजन में भी स्वयं भी और दूसरे किसानों को भी फसल अवशेष अथवा पराली में आग न लगाने के लिए जागरूक करेंगे। साथ ही साथ इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वह कस्टम हायरिंग सेंटरों से कृषि मशीनें वाजिब किराए पर लेकर फसल अवशेष प्रबंधन को अपनाएं। डीसी संघोई में वहां के नंबरदार धन सिंह के फार्म हाउस पर किसानों से रूबरू थे। अपने दौरे में उन्होंने प्रगतिशील किसान धन सिंह नंबरदार के खेत में कृषि यंत्रों के प्रयोग से फसल अवशेष प्रबंधन का प्रदर्शन भी देखा। उप कृषि निदेशक डॉक्टर आदित्य प्रताप डबास भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने किसानों को समझाया कि हालांकि फसल अवशेषों में आग लगाने के खिलाफ जुर्माना व FIR का प्रावधान किया गया है, लेकिन जुर्माना कोई हल नहीं है, इससे भी ज्यादा घातक है। आग लगने से जमीन की सेहत को खराब होता है, जिससे ठीक करने के लिए किसान का ज्यादा खर्चा आता है। जब किसान इस बात को समझेंगे तो वे आग लगाने की प्रवृत्ति से तौबा कर लेंगे। इस अवसर पर गांव के सरपंच और कुछ प्रगतिशील किसानों ने डीसी के सामने अपनी अपनी राय रखी। पिछले साल से सर मैंने ये सारे जो इम्प्लीमेंट हैं सब लिए हुए हैं और इनका बहुत बेनिफिट है, बहुत फायदा है इनका। जैसे ये प्लो है, प्लो जैसे जमीन हमारी नीचे जो है पानी नीचे लेती नहीं थी, पानी प्लो लगाने से पानी बहुत नीचे खींच रही है जमीन, और उसमें पैदावार की भी फर्क पड़ रहा है, पैदावार बढ़ रही है। तो जैसे पराली है, पराली नीचे बीच में गलेगी, उसमें भी जो यूरिया हमें नाइट्रोजन कम देनी पड़ेगी, ठीक है ना जी, तो पैदावार ज़्यादा होगी, तो बहुत बहुत फायदा मिला सर हमें। तो और किसानों को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि सभी किसान भाई जो हैं पराली को आग ना लगाएं और अपना इन चीज़ों का प्रयोग करें। अगर अपनी नहीं भी है तो उसको किराए से करवा लें, करवा के और ये चीज़ें जो हैं इनका उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें। कुलविंदर सिंह जी, गांव संगोई से। देखिए, क्योंकि इस समय जीरी कटाई का समय है और करनाल एक ऐसा ज़िला है जहां काफ़ी बड़े एरिया में जीरी की पैदावार होती है, और पिछले कई सालों से इस तरह की शिकायतें रही हैं कि पराली जलाने से संबंधित जो प्रदूषण होता है, जिससे यहां के लोगों के स्वास्थ्य को भी काफ़ी समस्याएँ रहती हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी रहती हैं, इस तरह की कई समस्याएँ सामने आई हैं। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पिछले 2 साल से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार ने सब्सिडी के माध्यम से किसानों को जो फार्म मशीनरी है वो देने की स्कीम लॉन्च की है, जिसमें एक समूह बनाकर भी, जिसको हम कस्टम हायरिंग सेंटर कहते हैं, या फिर इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी इस तरह की मशीनों को कृषि विभाग के पास आवेदन करके भारी सब्सिडी के साथ लिया जा सकता है। उसी श्रृंखला में आज हम यहाँ करनाल के संगोही संगोहा गांव है उसमें आए हैं, जहां किसानों ने जो मशीन ली गई हैं कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से, उनका आज डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया है। आपने भी उसको भली बात यहाँ देखा, और एक मत यहां के सभी किसानों ने बनाई है कि इस बार हम अपने जो फसल के अवशेष हैं उनको नहीं जलाएंगे, और कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से या जिन्होंने खुद मशीनरी खरीदी हुई है वो इन मशीन का उपयोग करते हुए अपने जो बचे हुए फसल अवशेष हैं उनको ठीक से व्यवस्थित करते हुए उनका प्रबंध करेंगे। इसी तरह का कार्यक्रम करनाल के सभी गाँव में होगा, जहाँ पर हमारे पंचायत विभाग और जो भी जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो कृषि विभाग के अधिकारियों के गाइडेंस के साथ वहाँ किसानों से जाएंगे, आग्रह करेंगे। और मुझे पूरी आशा है कि पिछले 2 सालों से, 2016 से अगर हम आज 2019 में देखें, तो हमारे यहाँ ज़िले में ही लगभग 45% गिरावट आई है फसल अवशेष जलानों की शिकायत को लेकर। तो इतना 2 सालों में काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। मुझे आशा है कि इस बार भी हम उसी रेट को ध्यान में रखते हुए लगभग 100% कंप्लायंस करेंगे और हमारे ज़िले में इस तरह की फसल अवशेष जलाने की शिकायतें नहीं आएंगी। सर, अगर फसल अवशेष जलाते हैं तो उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मेरा उद्देश्य कार्रवाई का नहीं है, उद्देश्य है लोगों को समझाने का, और समझाने में हमारी तरफ से किसी तरह की जो जो प्रयास किए जाने थे सभी किए गए हैं। उसके बाद भी अगर कहीं शिकायत प्राप्त होती है तो उसमें राज्य सरकार के जो फाइन्स हैं और FIR कराने के भी प्रावधान हैं उनको ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है, मशीनरी भी दी जा रही है, और मेरा मानना है कि हमारे ज़िले के लगभग सभी किसान इस स्कीम को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। परंतु फिर भी अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, FIR भी होगी और फ़ाइन भी मोटा लिया जाएगा।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।